है, अगर ये गाड़ी थोड़ी सी भी अगर लहर रही है तो तुरंत पलट जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नई ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में स्वस्थ होंगे। और पीताम्बर भाई भी साथ में, उन्हीं की गाड़ी में बैठे हुए देख सकते हो, और अपनी गाड़ी को वही पीछे में लगा कर रखे हैं। और इनकी गाड़ी में थोड़ा काम आ गया गियर का। कौन कौन सा गियर के काम आए? रिवर्स पहला, चौथा, छठवा। तो इसका रिवर्स भी नहीं लग रहा है और पहला भी पहला लगा था ना रे, मतलब आगे आगे पूरा नहीं लगा था ना, रिवर्स नहीं लग रहा है और दो नंबर नहीं लग रहा है, चार नंबर नहीं लग रहा है, छः नंबर नहीं लग रहा है, और पीछे का सब लग रहा है, एक नंबर, तीन नंबर, पाँच नंबर, ये सब लग रहा है। तो अभी आ गए भाई दोस्तों गाड़ी उड़ी का काम करवाने के लिए, जो कि देख सकते हो आगे ये है लालू प्रसाद का गैरेज, मतलब लालू दास है, लालू प्रसाद बोलता हूँ मैं तो। और नाइट में ही गाड़ी उड़ी को खाली उली करके आ गए थे, हालांकि आप लोगों ने देखा था कि लोडिंग वोडिंग कर लिए थे, उसके बाद में खाली उली करके 3 बजे आ गए थे भाई। और वहाँ पे जहाँ पे खाली करने के लिए गए थे वहाँ पर इतना ज़्यादा मच्छर काट रहा था भाई, क्या ही बोले। और इसको भी तो रात भर यहाँ पर मच्छर काट काट के आला था, फिर रात को खजवा खजवा पूरा ऐसी तैसी कर लिया है। और दुकान भी खुल गया मेरे ख्याल से, देख सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, अभी चाय वो पीते हैं, फिर उसके बाद में आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अपनी गाड़ी पास आ गए और अभी चलते हैं अपनी वाली वो गाड़ी जहाँ पर खड़ा किए थे, वहीं पर ही देख दाख के आते हैं गाड़ी का क्या हाल है। ठीक है, देख सकते हो ट्रांसपोर्ट नगर का कुछ इस तरह का व्यू है भाई, यहाँ पर काम चल रहा है। चलते हैं, आते हैं अपने गाड़ी तरफ से घूम घाम के देख। तो गाइस अपनी वाली गाड़ी लेके निकल गए भाई लोडिंग में, उस वाली गाड़ी को खड़ा कर दिए, जो कि देख सकते हो अपनी गाड़ी में आने का फीलिंग ही अलग है। इसका स्टेयरिंग भी पूरा फ्री है, उसका तो भाई एक हाथ से चलाना ही मुश्किल है वाला को, हम तो इसको एक हाथ से चला भी लेते हैं देखो, है ना, उसको तो चलाने में हालत ही ख़राब हो गई थी। मतलब भाई दोनों हाथ से ही हमको स्टेयरिंग संभालना पड़ता था, इतना हार्ड हो गया है। मेरे ख्याल से उसका पुश उस कट गया इसके कारण कि वो इतना टाइट हो रहा है। तो अभी चल जा रहे हैं अभी लोडिंग करवाने के लिए, देखते हैं कहाँ की लोडिंग वोडिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। और पूरे बिखरे हुए देख सकते हो इधर कंबल उम्बल सब, जो कि अभी वहाँ पर जाके जचा लेंगे। चलते हैं, बड़ा वो समोसा देना, कितने रुपये पीस? 20 रुपये पीस, हाँ देना। तो दोस्तों लोडिंग वोडिंग पॉइंट पे तो आ गए भाई, डाला उला खोल दिए हैं और अभी साफ उबाएंगे, उसके बाद में लोडिंग लाडिंग चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी आए थे भाई इधर ही भनपुरी तरफ ही, भनपुर तरफ ही लोडिंग हो रही है और जियो मार्ट पीछे में ही है, इधर ही उसी लाइन में ही आए लोडिंग करने के लिए। देखते हैं कितने बजे तक लोडिंग लाइडिंग होती है, आप लोगों को बताते हैं। और नाश्ता पानी तो अपना हो गया। ठीक है दोस्तों, तो लोडिंग पॉइंट पर लग गई रही गाड़ी अपनी, देख सकते हो पीछे यही सब लोडिंग होगी, पाइप वाइप और भी लोडिंग करके गए यहाँ से 2-3 बार। तो लोडिंग वोडिंग करते हैं लोग, फिर दिखाते हैं आप लोगों को चालू करेंगे तो। तो अभी घुसे भाई गाड़ी के नीचे में, जो कि चेकअप करने के लिए सापट ऊपर ढीला तो नहीं हुआ है, गियर में तो इतना ज़्यादा घूम नहीं रहा, ये लॉक है। और वो रहा गियर, ये देख सकते हो ये है, जो कि वहाँ से लगाते हैं तो यही लगता है। और ये वाला सापट अपना ढीला हो गया था, जो कि नट लगा के देख रहे हो। और एक पट्टे का भी काम करवाना है, खैर इससे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन करवाएंगे पिछले चक्कर आके ही, है ना। ग्रीस व्रीस तो मरवाए थे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, लोडिंग वोडिंग होती फिर दिखाते हैं आप लोगों को भाई, अंदर में घुस गए भाई साहब।
गाइस, अभी अपनी गाड़ी भाई आधी हुई है जो कि देख सकते हो। और भी माल बढ़ेगा, ये वाला सब माल अभी इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग। तो ऑलमोस्ट दोस्तों लोडिंग हो गई अपनी गाड़ी पूरी की, देख सकते हो पूरी पाइप लोडिंग हुई है दोस्तों। जो कि देख सकते हो बस अब रस्सा तिपल मारेंगे, फिर उसके बाद में निकलेंगे भाई सफर में, जो कि शाम रात हो सकती है, मतलब 5 तो बजने वाले हैं, 1-2 घंटा लगेगा रस्सा तिरपाल करने में, उसके बाद में निकलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अपना रस्सा तिरपाल होना चालू हो गया भाई, जो कि देख सकते हो अंधेरा भी छा गया भाई। तो फाइनली दोस्तों पूरी लोडिंग लाइडिंग हो गई, निकल गई जो कि देख सकते हो। और अभी जा रहे हैं भाई ट्रांसपोर्ट नगर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर बुलाया है सेठ, तो देखते हैं क्या बोलता है, फिर उसके बाद में गाड़ी को लेके निकलेंगे सफ़र में। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अभी ट्रांसपोर्ट नगर। तो अभी डीजल उजल फुल करवा रहे हैं, देख सकते हो पेट्रोल टैंकी में जो कि रुके हुए हैं, और बस इसी की वजह से ही बुलाया था डीजल उजल डाल के निकल लेना ऐसे करके। खैर मैं तो डलवा के निकलता ही आखिर, लेकिन बोला डलवा लेना, उसके बाद में डलवा रहे हैं भाई यहीं पर ही, फिर उसके बाद में निकलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो गाइस रात के करीब बज रहे हैं भाई 9:30 बज रहे हैं, और एक तो गाड़ी देख सकते हो जो कि मेरे सामने में जा रही है, सेम मेरी जैसी गाड़ी है, लेकिन इसकी हाइट तो देखो दोस्तों, माल हाइट देखो इसका, डबल है भाई, मेरे से भी डबल है। अगर ये गाड़ी थोड़ी सी भी अगर लहर रही है तो तुरंत पलट जाएगी भाई, देख रहे हो कितना हाइट है भाई साहब। वीडियो में खैर कम दिख रहा होगा, लेकिन ना एकदम ज़्यादा हाइट है, मतलब डाला से 5 फीट के आसपास है भाई इसकी हाइट, जो कि ये ज़्यादा टर्निंग में अगर ज़्यादा मोड़ दिया तो भाई इसकी गाड़ी पलट जाएगी। हम भी इससे थोड़ा ओवरटेक लेते हैं यार, देख रहे हो ना। तो ऐसा माल भाई बेवकूफ़ी, अगर ये बेवकूफ़ी थोड़ा सा भी किया तो पक्की है भाई गाड़ी पलट सकती है ना। अपन यहाँ से धीरे से निकल जाते हैं, फिर गाड़ियाँ आ रही है आगे से यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ चला कैसे रहा होगा, इतना हाइट कर दिया है और उसके बाद में देख रहे हो चला रहा है भाई। भाई साहब गाड़ी ऊपर गाड़ियाँ आ रही हैं, निकाल लेते हैं भाई जल्दी। ओहो, और अपन भी रुकते हैं भाई कहीं पर खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि लेट हो गए हैं इसके वजह से, चलते हैं खाएंगे खाना वाना। ठीक है दोस्तों, तो गाइस अपना खाना पीना तो हो गया, और भाई पीताम्बर भाई की भी गाड़ी अपने सामने में है जो कि देख सकते हो, और अपनी गाड़ी वो लगी हुई वहाँ पर, तो हवा भी यहीं पर ही है आगे में यहाँ पर, जो कि देख सकते हो लाइट उट दिख रहा होगा। तो अभी चलते हैं दोस्तों, खाना पीना तो हो गया भाई, और देखते हैं भाई अब आगे में चल के कहीं पर सफ़र ऊपर काटते हैं, और उसका भी झारखंड तरफ का ही लोड है, अपना भी झारखंड का ही लोड है। ठीक है दोस्तों, और ठंडी इधर भाई अब रायपुर से निकल गए तो भाई ठंडी तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना, और आगे चलते जाएंगे तो और भी ठंडी बढ़ते ही जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों और निकलते हैं भाई। तो आज का ब्लॉग यहीं तक ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भाई बंदे जितने भी नए हैं प्लीज़ उससे यही रिकमेंड करूँगा कि भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और इसको देख सकते हो।
ठीक है दोस्तों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।